नमस्कार, इंडिया फेक न्यूज़ में आपका स्वागत है। कोरोना इज कंगना पॉजिटिव। ओह शिट, ये क्या बोल रहे, इसको कट कर देना। ओके, बाकी बात कुछ हद तक सही थी ना, ये है ना। हाँ, नमस्कार, इंडिया फेक न्यूज़ में आपका स्वागत है। अभी अभी एक बड़ी खबर आ रही है कि कंगना रनौत एक हमारी देशभक्त, एक राष्ट्रभक्त और हमारी पार्टी की एक प्रवक्ता और एक ऐसी अभिनेत्री जो राष्ट्रभक्त है, हमारी पार्टी की भक्त है, तो उनको कोरोना पॉजिटिव हो गया, वो आइसोलेट हो गई है। इसके बारे में उन्होंने जानकारी ट्विटर पे झांसा की है, साझा की है। तो ट्विटर पे नहीं, ट्विटर तो ओह सॉरी, उनके ट्विटर को आया। उन्होंने इस बात की जानकारी इंस्टाग्राम पर की है। ट्विटर क्यों आ रहा है यार बार बार, इंस्टाग्राम पर साझा की है और बताया है कि वो आइसोलेट हो गई है और उनको कुछ दिन से थोड़ी दिक्कत हो रही थी। तो इस बारे में हमने उनके लिए एक सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर से बात की है और उनके लिए ट्रीटमेंट के लिए भी बात कर ली है कि उनको ट्रीटमेंट में क्या क्या लगेगा। तो कंगना जी को हमने फ़ोन पर लिया और उनको हमने बता दिया कि आपको ये ट्रीटमेंट लेना है। तो उन्होंने पेन लिया, कॉपी लिया या फिर यहाँ पे फिट कर लिया, तो हो सकता है। तो हम आपको भी बता देते हैं कि आपको को कभी कुछ दिक्कत हो जाए तो आप ये ट्रीटमेंट ले सकते हैं, जो कि शायद 2 दिन में 4 दिन में या 6 दिन में आपके कोरोना को भगा सकता है। तो आप भी कभी लिखना चाहे तो लिख लीजिए। तो सबसे पहले आप जब सुबह उठेंगे तो आप गौमूत्र का एक ग्लास लीजिए, उसको अच्छा घोलिए और पी लीजिए। फिर जब आप ब्रेकफास्ट करेंगे तो ब्रेकफास्ट में आप गोबर ले, गोबर यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे गाय का गोबर उपयुक्त रहेगा। फिर आप जब लंच के लिए जाएंगे तो लंच के लिए भी आपको गोबर के साथ ही जाना है। और फिर जब आपको डिनर का टाइम हो तो डिनर में आप हल्का फुल्का गोबर ले सकते हैं, जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। और फिर जब आप कभी ज़्यादा ही समस्या हो रही है तो आप रामदेव शिविर जा सकते हैं, क्योंकि मार्केट में आपने देखा है कि रामदेव शिविर की बहुत समस्याएं हो रही है, तो और किल्लत हो रही है, उसकी कालाबाजारी हो रही है। तो इसके लिए आपके लिए सबसे उपयुक्त जगह रामदेव शिविर है, वो उस शिविर में जाइए और आपको हो सकता है कि वहाँ पर जो कोरोना का टीका है कोरोनिल, वो आपको मुफ्त में लग जाएगा, और जिसको कि WHO से वेरीफाइड किया गया है। और ये न्यूज़ उतनी ही झूठी है जितना कि हमारा ये फेक न्यूज़ का शो झूठा है। तो आप उस रामदेव शिविर में जाइए और टीका ज़रूर लगवाइए। और कंगना जी को हमने ये भी बताया कि कभी आपने तो ऑक्सीजन का बता ही दिया था कि कभी मान लो, कंगना जी को हमने फिर बोला कि कभी ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो आप पीपल या नीम के पेड़ के पास जाए और उनको बोल दे कि अरे भैया हमको थोड़ा सा ऑक्सीजन लेवल कम हो गया है तो ऑक्सीजन दे दीजिए। तो ये ट्रीटमेंट हमने कोरोना को नहीं यार, कंगना जी को बताया, सॉरी। तो ये ट्रीटमेंट हमने कंगना जी को बताया और कंगना जी ने इसको मान भी लिया है और शायद वो आज से ही शुरू कर देंगी। तो कंगना जी के लिए हम ये कामना करते हैं, ये दुआ करते हैं, सॉरी दुआ तो उर्दू शब्द है, हाँ कामना ही करते हैं कि आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और गेट वेल सून कोरोना कंगना जी। तो आप जल्दी से आइए और जितने भी लेफ्ट लोग हैं इनका थोड़ा मुंह पे ताला लगवाइए, क्योंकि ये बहुत बकर बकर कर रहे हैं। और आप जब भी वापस आएंगे तो एक ट्वीट कर दीजिए कि इनके सब मुंह बंद हो जाएंगे, सॉरी ट्वीट नहीं, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर आइए और फिर आप इनका मुंह बंद कर दीजिए। तो दोस्तों, आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए, और जल्दी मिलते हैं अगले फेक न्यूज़ के एपिसोड में। जब तक हमारे साथ बने रहिए और दूरी बनाए रखिए और मास्क पहनिए, क्योंकि ये जो हमारे नेता लोग हैं ये तो मास्क वगैरह कुछ समझते नहीं और पहनते नहीं है। तो आप एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मास्क ज़रूर लगाइए, घर से बाहर तभी जाइए जब आपको बहुत ज़रूरी काम हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।